हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीषरण पंडित। 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करने के लिए जा रहे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मोड ऑफ द अबव डेटा। गिवन डेटा का मोड फाइंड आउट करना है, 10 टू 14, 14 टू 18, 18 टू 22, 22 टू 26, 26 टू 30, और उस तरह से फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 5, 11, 16, 25, 19। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन होगा उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। दोस्तों डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा ही लगेगा वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको मोड फाइंड आउट करना है, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना जरूरी। तो मोड इज इक्वल टू होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। ये मोड का फॉर्मूला होता है इनटू एच। तो आपको ये एल क्या होता है, एफ वन क्या होता है, जीरो क्या होता है, तो एल के लिए क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होगा, तो आपको यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की कौन सी दिख रही है, जो इतनी फ्रीक्वेंसी है उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 है, तो 25 को मॉडल क्लास के पूरे को मॉडल क्लास सिलेक्ट करेंगे। 25 वो हमारी एफ वन होगी, क्या होगी, एफ वन होगी हमारी, वो 25 हो जाएगी। और जो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 22 और 26 है, तो उसमें 22 है वो लोअर लिमिट है और 26 है वो क्या है, अपर लिमिट है। तो यहाँ पे लोअर लिमिट एल इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 22। एफ वन यानी कि जो हाइएस्ट जो फ्रीक्वेंसी उसको एफ वन का हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी को, उसके पहले क्लास वाली को जो फ्रीक्वेंसी को लोअर लिमिट यानी कि एफ जीरो कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे नेक्स्ट क्लास और एफ टू कहेंगे। एफ जीरो की वैल्यू आपके पास 16 मिलेगी और एफ जी टू की वैल्यू 19 मिलेगी। नाउ अब यहाँ पे एच, एच यानी कि आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, तो 26 माइनस 22 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एच यहाँ पे टू कर देते, एल की वैल्यू 22 प्लस एफ वन यानी कि 25, एफ जीरो की कितना 16 अपॉन टू ब्रैकेट में 25 माइनस एफ जीरो, एफ जीरो यानी कि 16 माइनस एफ टू यानी कि 19 इंटू एच, एच यानी कि कितना है 4। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे हम लोग। अब यहाँ पे 26 माइनस नेक्स्ट 22 को एडिट लिखो, 25 माइनस 16 करोगे तो क्या मिलेगा 9, 25 टू जा करोगे तो 50 मिल जाएगा, और यहाँ पे माइनस 16 माइनस 19 लिखे माइनस 35 मिलेगा इंटू 4। तो यहाँ पे 22 प्लस 9 डिवाइड बाय 50 माइनस 35 करोगे तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा इंटू 4, और 15 यानी कि क्या होता है 5 थ्रीजा होता है, और 9 यानी कि क्या होता है 3 थ्रीजा होता है, 3 कैंसिल कर दो तो ऊपर 3 बचेगा नीचे 4, 3 4 का 12 हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे मोड मोड को जेड से भी रिप्रेजेंट, तो जेड इज इक्वल टू क्या था 22 प्लस 3 फोर 12 डिवाइड बाई 5, और 12 डिवाइड बाई 5 करोगे तो क्या मिलेगा आपको 2.4 मिलेगा, यानी कि 22 प्लस 2.4, और 22 प्लस 2.4 करोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, दोनों का एडिशन करोगे तो 24.4। ऐसा कोई ऑप्शन है, यस ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के अंदर पूछा गया, बट रियली में क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होता है, तो आप लोग इसको केयरफुली सोल्व करने के लिए ध्यान से एक बार ऐसा है तो वापस वीडियो को देख लो, कि आपको नॉर्मली जो वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करके बाद सिंप्लीफाइड करते जाना है। और आपको रिसेंटली में हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग हमारे जो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना, कि हम लोग लाइव क्लास के अंदर आपको पूरा चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सोल्व करवा देंगे, और आपको एक ट्रिक के साथ आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे फ्री में, जिसके थ्रू आप मैथ्स के अंदर आउट ऑफ आउट मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियोज, हैव अ नाइस डे।